देखिए इम्पोर्टेंट बताऊँ क्या, हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट में क्या होता है, लोग अपनी एक इधार लगाते हैं, लोग अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और ये डिसाइड करते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप नोटिस करें ना कि सबसे बड़ा स्कैम हमारे यहाँ ये पॉडकास्ट किया, हालांकि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, खुद मैंने 2-3 पॉडकास्ट मैंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूँ, ये डिक्लेयर करता हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम हमारे यहाँ, अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्कैम आपका पॉडकास्ट है। उसकी ये है कि आपने अपनी एक राय दी, वो राय लोगों ने नोटिस की, उसके ऊपर वाह हुई, लोगों ने आपको शाबाशी दी, लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ है। तो आप ये क्वेश्चन करें ना कि मैंने अगर मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के बारे में कोई बात कही है और मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को यही स्टेप लेने चाहिए, यही कदम उठाने चाहिए, इससे बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर, जो हालात हैं हम उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा। कि ऑल तो मैं कोई होता नहीं हूँ, लेकिन आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे वो कोई भी इतना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, वो अपनी कोई भी बात कह देगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पर, हमारी सोसाइटी पर नहीं आ पा रहा। अगर वो एजुकेशन की बात करे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करे, अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करेगा, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करेगा, नो वन इवन बॉदर कि वो उसको फॉलो करे कोई और उस जैसा बनने की कोशिश करे, क्योंकि हमारे यहाँ शायद मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम पॉडकास्ट सुनते हैं, क्लिप्स में देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, आगे लोगों को शेयर करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो व्हाट आई अज्यूम कि सबसे बड़ा जो स्कैम है अगेन वो पॉडकास्ट है, लोग इसके धोखे में आ रहे हैं, मैं भी इसका हिस्सा हूँ और ये मानता हूँ बिल्कुल, और आइंदा भी मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी तो मैं इसका हिस्सा बनूंगा। लेकिन मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ इस बात को कि अगर आपको किसी को बेवकूफ़ बनाना है, किसी को फूल बनाना है, आप चाहते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुँचे और उस पर आपके कुछ लाइक्स आ जाएं, लोग आपकी वीडियोस को देखें, लोग एक दूसरे को शेयर करें, तो आप पॉडकास्ट कीजिए, इससे आपकी पर्सनल की ग्रोथ होगी, पर्सनल प्रमोशन होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मुश्य इसमें और सोसाइटी में ना इसका इम्पैक्ट कोई नहीं हो पा रहा, ये आप जज कर लीजिए पिछले 1-1.5 साल में जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, अच्छे से अच्छे आज तक माशरे में ना इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा। तो डेव मेरी बात की जो मैं कहना चाह रहा था आपको इस वीडियो के जरिए, तो कीजिए, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।